नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री की मंशा अनुसार भाजपा जबलपुर ने हर घर तिरंगा अभियान और विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस मनाने का फैसला किया है। यह अभियान 11 अगस्त से शुरू होगा और 3 दिन चलेगा। वहीं भाजपा 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका स्मरण दिवस मनाएगी। यह जानकारी भाजपा नगर अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि जिले के हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। यह अभियान इस स्वतंत्रता दिवस को उत्सव के रूप में मनाने के लिए चलाया जा रहा है। अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, क्रांतिकारियों की प्रतिमा पर माल्यार्पण होंगे और महानगर के प्रत्येक घर में तिरंगा फहराया जाएगा। हर घर हर व्यक्ति को तिरंगा उपलब्ध हो इसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। हर बूथ और मंडल पर तिरंगा बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। तिरंगा यात्रा के साथ युद्ध स्मारकों पर पुष्पांजलि के कार्यक्रम होंगे। युवा मोर्चा 11, 12 और 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालेगी। 12, 13, 14 अगस्त को युद्ध स्मारकों पर श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि कार्यक्रम होंगे। भारत विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस नौजवानों को यह बताया जाएगा कि 14 अगस्त को क्या हुआ था। हर घर तिरंगा अभियान में हमारी जिला कार्य समिति सभी मोर्चा एवं प्रकोष्ठों मंडल कार्य समिति बूथों के पदाधिकारी सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी से हर घर तिरंगा अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने देश के 140 करोड़ लोगों से आग्रह किया है और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि 15 अगस्त और उसके पहले हर घर में तिरंगा लहराया जाए। हर घर तक हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचे और न केवल तिरंगा लहराए बल्कि लोगों से बातचीत करें कि तिरंगा हमारी आन बान शान है, हमारा स्वाभिमान का प्रतीक है। और जिस देश का नौजवान, जिस देश का हर नागरिक स्वाभिमान के साथ जब तिरंगा लेकर चलेगा तो निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर 140 करोड़ लोग जब तिरंगा लहराएंगे तो पूरे विश्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी की और नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, तो कोशिश हमारी ये है कि हर घर तक हमारे जनप्रतिनिधि जाएंगे। हमारे माननीय विधायक अशोक रोहाणी जी के नेतृत्व में कैंट विधानसभा में यात्रा है, भाई अभिलाष पांडे जी के नेतृत्व में उत्तर मध्य विधानसभा में, पूर्व विधानसभा में अंचल सोमका जी नेतृत्व करेंगे और पश्चिम विधानसभा में राकेश सिंह जी नेतृत्व करेंगे। लेकिन इस पूरी चारों यात्राओं में हमारे महापौर अनुजी इसमें रहेंगे, हमारे सांसद दोनों राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि जी, आशीष दुबे जी उस पूरे कार्यक्रम में रहेंगे। कोशिश हमारी ये है कि हमारे 956 बूथ हैं, उन बूथ के अध्यक्षों के माध्यम से, पार्टी के मंडल के अध्यक्ष के माध्यम से और विशेषकर युवा मोर्चा को ये भूमिका दी गई है। युवा मोर्चा की भी कल हमारी बैठक संपन्न हुई है और युवा मोर्चा को ये बड़ी जवाबदारी दी है कि हमारी तिरंगा यात्रा निकले, हर घर तिरंगा लहराए और एक आंदोलन बनकर एक जज्बा देशभक्ति का जज्बा हर नौजवान के बीच में जागृत हो। इस दिशा में हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं और उसी तारतम्य में ये कार्यक्रम हमारा है। हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आपके माध्यम से भी समाज को जागृत करने का काम आपके माध्यम से होगा तो निश्चित रूप से आने वाले में समय जो हम देश सोने की चिड़िया कहा जाता था फिर से ये देश परम वैभव की ओर आगे बढ़ेगा। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस खबर पर आपकी क्या है राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।